तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी दिसंबर के महीने में जो हॉनर मैजिक वॉच 2 है, उसकी एक और अपडेट आई है। जो लास्ट अपडेट थी उसमें काफ़ी बग्स रह गए थे ऐसा लगता था, क्योंकि वॉच है उस अपडेट के बाद हैंग भी होने लग गई थी और जो उसकी परफॉर्मेंस है थोड़ी बहुत कम हुई है थी किसी न किसी पॉइंट से। तो अभी दिसंबर में एक और जो है यहाँ पे अपडेट रिलीज करी गई है, तो वो धीरे धीरे सभी वॉचेस में मिलना शुरू हो चुकी है। तो चलिए हम भी हमारी वॉच के लिए चेक करते हैं कि क्या वो अपडेट आ चुकी है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं ओपन करता हूँ और यहाँ नीचे फर्मवेयर अपडेट वाले सेक्शन पे जाके चेक करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे ऑरेंज डॉट आई हुई है, इसका मतलब कोई अपडेट तो है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। तो यहाँ पे जो अपडेट है उसका वर्जन दिया हुआ है 1.0.10.12, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। 19 MB की अपडेट है जिसमें कि ऑप्टिमाइजेशन में लिखा हुआ है फिक्स सम नॉन इश्यूज़। तो चलिए फिर इस अपडेट को हम डाउनलोड करते हैं और इसको इंस्टॉल करके देखते हैं अपनी हॉनर मैजिक वॉच 2 के अंदर तो कितना टाइम ये लेती है अभी इंस्टॉल होने में। देखिए यहाँ पर डाउनलोड की स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए इसको फटाफट से हम इंस्टॉल करते हैं अपनी वॉच के अंदर। तो यहाँ पे जो वॉच है अभी अपडेट होकर रिस्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें देखते हैं अंदर वैसे कुछ खास चेंजेस तो नहीं हुए होंगे और जो भी हुए हैं वो सब माइनर बग्स फिक्स हुई हैं। तो अभी बता पाना कि आखिर क्या चेंज हुए हैं वो मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है उस पर भी कुछ खास दिया हुआ नहीं है, बस ये लिखा हुआ है फिक्स सम नॉन इश्यूज़। तो इसको यूज़ करके देखते हैं, और मैं भी नोटिस करता हूँ और आप लोग भी नोटिस कीजिए कि आखिर इस अपडेट में क्या कुछ नया आपको देखने को मिला है और क्या बग देखने को मिली है। जो भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं देखने के लिए कि आखिर इस अपडेट में क्या है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके पढ़िए। वहाँ पर जो यूज़र्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनके आधार पर आपको पता लग जाएगा कि आखिर क्या नया है इस अपडेट के अंदर और क्या बग्स रह गए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।